आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हाउस नेक्स्ट डोर मूवी को, 2017 में रिलीज़ हुआ था और जिसका असली नाम अवल है। ये एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसका IMDb रेट 6.7 है। तो मूवी स्टार्ट होता है 1934 में एक घर से, जहां हम एक मदर लीजिंग और उसकी बेटी को देख पाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लीजिंग प्रेग्नेंट होती है। सीन शिफ्ट होता है 2016 में, जहां हम एक कपल क्रिश और लक्ष्मी को देखते हैं, जहां क्रिश एक ब्रेन सर्जन होता है और लक्ष्मी एक हाउसवाइफ। क्रिश और लक्ष्मी के नेबर में एक फैमिली शिफ्ट होती है जिसमें हस्बैंड पॉल, वाइफ लीजी, उनके दो बच्चे जैनी एंड सैरा और उनके ग्रैंड डैड होते हैं। सीन पॉल के घर में शिफ्ट होता है, जहां उन्होंने नए घर की खुशी में हाउस वार्मिंग की पार्टी रखी थी, जहां सारे नेबर इनवाइटेड थे, जहां हम लीजी और लक्ष्मी के कन्वर्सेशन से पता चल पाता है लीजी पॉल की सेकेंड वाइफ है और सैरा उनकी बच्ची है। पॉल की फर्स्ट वाइफ के डेथ के बाद पॉल की शादी लीजी से हो गई थी। जैनी एक टीनेजर होती है जो डॉक्टर क्रिस के तरफ अट्रैक्टेड होती है। सीन सारा पे शिफ्ट होता है, जो विंडो पे किसी चीज़ को देखे जा रही थी। क्रिश के सारा के पूछने पर वो जैनी की तरफ इशारा करती है, जहाँ जैनी ट्रांस स्टेट में होते हुए एक कुएं में कूद जाती है, जिसे देख क्रिश उसे बचाने कुएं में कूद जाता है, जहाँ पानी में हम जैनी का डिस्टॉर्टेड फेस देख पाते हैं। जैनी को कुएं से निकालकर CPR दिया जाता है। आने पर लक्ष्मी क्रिश पर चिल्लाने लगती है कि इतने लोगों में सिर्फ तुम्हें कूदने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। क्रिश का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है और वो अचानक ही लक्ष्मी के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहां हम देख पाते हैं कोई आत्मा क्रिश पर नज़र रखे हुए हैं। रात के 3 बजते ही पॉल क्रिश के घर में आकर उसे ले जाता है, क्योंकि जैनी को अचानक ही सीजर अटैक आया हुआ था। क्रिश पॉल के घर जाकर जैनी को शांत कराता है, साथ ही डॉक्टर विजिट करने को सजेस्ट करता है। यहाँ चेकअप के बाद पता चलता है जैनी बिल्कुल नॉर्मल है। सीन जैनी के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ लीजी को अलमीरा से किचन से गायब हुआ चाकू मिलता है और अलमीरा में चाकू से लिखा होता है कि यहाँ से चले जाओ, जो कि चाइनीज लैंग्वेज में होता है। लीजी को डिनर के लिए इनवाइट करने आती है, जहाँ लक्ष्मी को घर में कुछ अनयूजुअल फील होता है। रात में लीजी पॉल और जैनी क्रिश के यहाँ डिनर पर आते हैं, जहाँ जैनी को विंडो से अपने घर में कोई आत्मा दिखने लगती है। वो आत्मा अचानक ही जैनी को डरा देती है। पॉल और लीजी जैनी को शांत करते हैं और वापस घर लेकर जाते हैं। रात में पॉल के घर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर का बंद करने के बाद भी चलना और पियानो पर किसी आत्मा का हाथ दिखना। सुबह क्रिश को घर में जैनी का मोबाइल मिलता है, जिसे वो वापस करने जा ही रहा होता है, तभी उसे पॉल का कॉल आता है कि सुबह से जैनी और सैरा मिल नहीं रहे। क्रिश और पॉल उन्हें ढूंढने जाते हैं, जहां जैनी फिर से ट्रांस स्टेट में खाई की ओर जा रही होती है। इसी बीच सैरा एक्सीडेंटली फिसल कर खाई में गिरने वाली होती है, तभी क्रिश आकर उसे बचा लेता है। पॉल जैनी को शांत कर वापस घर ले जाने लगते हैं और उसे घर ले जाकर डांटने लगते हैं, तभी जैनी अचानक बेहोश हो जाती है। क्रिश पॉल और जैनी को अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलाता है, जहां जैनी सेशन में डॉक्टर को घर में होने वाली कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताने लगती है। लाइक जैनी को उसके रूम में होते हुए ही घर के लैंडलाइन से कॉल आता है, जिसमें कोई लेडी रोते हुए चाइनीज लैंग्वेज में यहाँ से चले जाने को कहती है और साथ ही जैनी को कुछ आत्माओं का दिखना। सेशन के बाद पॉल घर में जाकर देखता है उनके पापा किसी काइंड ऑफ तांत्रिक को घर में लाए होते हैं, जिसे पॉल डांटकर भगा देता है। अगले दिन साइकेट्रिस्ट जैनी के रूम में इंस्पेक्शन करने आते हैं, जहां हमें पता चलता है जैनी भूत और आत्माओं में बहुत ही दिलचस्पी लेती है और इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स भी पढ़ रही होती है। डॉक्टर जैनी का हिप्नोथेरेपी करने का प्लान करते हैं, जिसमें जैनी चाइनीज लैंग्वेज में अपना नाम बताती है, जो कि लीजिंग होता है, जिसे हमने मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था, और ये आत्मा इन्हें यहाँ से चले जाने को बोलती है। साइकेट्रिस्ट बताते हैं शायद जैनी ये स्टोरी अपने मन में बना चुकी है और इसे ठीक करने के लिए हमें एक झूठा एग्जॉर्सिज्म करना होगा, ताकि जैनी के मन से ये सारी बातें निकल जाएं। एग्जॉर्सिज्म करने के लिए पॉल क्रिश और डॉक्टर पेस्टर जोशुआ के पास जाते हैं। एग्जॉर्सिज्म शुरू किया जाता है, जिसमें जैनी पोजस होकर वायलेंट बिहेव करने लगती है और सब पर हमला करने लग देती है। जैनी अचानक हवा में फ्लोट होने लगती है और रूम का क्रॉस भी उल्टा हो जाता है। इसी बीच पेस्टर जोशुआ जैनी से उस आत्मा को निकाल तो लेते हैं, लेकिन खुद इंजर्ड होकर कोमा में चले जाते हैं।
पॉल के घर में सब पॉल को यहाँ से शिफ्ट होने का बोलते हैं, पर पॉल सबको बताता है ये घर उसने अपने पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए गिरवी रखा है। अगर लोन देने वाले घर को बंद देखेंगे तो उनको ये लोन नहीं मिलेगा। रात में पॉल के घर की मेड इन सब घटनाओं से डर कर कुछ रिचुअल्स करने लगती है, जिसे पॉल देखकर उसे ये सब बंद करने को बोलता है। आधी रात को हम देख पाते हैं कोई इनविजिबल एंटिटी उसी मेड को मार देती है। सुबह पॉल को मेड के रूम में कुछ अजीब चीज़ें दिखती हैं। पॉल श्योर हो जाता है कि अभी तक वो आत्मा इस घर से गई नहीं है, इसलिए वो अपने डैड को उसी बंजारे को बुलाने कहता है जिसे उसने डांटकर भगा दिया था। वो बंजारा बताता है इस घर में टोटल 3 आत्माएं हैं, जिसमें से 2 आत्माएं तो ये घर छोड़कर जाने को बोल रही थी, पर जो तीसरी आत्मा है वो आपको यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। हम क्रिश के घर में देख पाते हैं कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट हो गई है, और रात में क्रिश के साथ भी कुछ अनयूजुअल घटनाएं होने लगती है, जैसे घर के सामान का हवा में फ्लोट होना। और हम देख पाते हैं कोई आत्मा क्रिश के पीछे पड़ी है, इवन वो क्रिश के अनबॉर्न बच्चे को भी हर्ट करना चाहती है। तभी क्रिश अपने नींद से उठ जाता है और हमें पता चलता है ये सब एक सपना था। लक्ष्मी देखती है घर के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा, इसलिए वो टंकी को देखने के लिए जाती है, जहाँ कोई आत्मा उसे अचानक डरा देती है, जिसे लक्ष्मी गिर जाती है। लक्ष्मी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जिसे पता चलता है बच्चा बिल्कुल सेफ है। साथ ही हम देख पाते हैं वो आत्माएं क्रिश को हॉस्पिटल में भी हॉन्ट करने लग गई हैं, जिसे क्रिश सर्जरी करते टाइम डिस्ट्रैक्ट होकर गलती कर देता है, जिससे उसे कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया जाता है। साइकेट्रिस्ट क्रिश को अपने साथ एक गांव ले जाने लगते हैं और बताते हैं उसने उस घर की हिस्ट्री पढ़ी है, जिसमें 80 साल पहले वो घर एक चाइनीज आदमी ली जुआंग का हुआ करता था। एक दिन उस घर में उसकी फैमिली की लाशें मिली। इन सब एक्सीडेंट का एक आई विटनेस है, जिससे वो मिलने जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद वो बूढ़ी औरत बताती है वो रात पूर्ण सूर्य ग्रहण का दिन था, जब वो ली जुआंग के घर फूल तोड़ने गई थी। तब ली जुआंग आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। तभी उसकी पत्नी ली सिंह आकर उसे बचा लेती है, जिससे वो आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा देता है। ली जुआंग को बेटा चाहिए था, इसलिए वो ये सब रिचुअल कर रहा था, जो कि ऑब्वियसली एक अंधविश्वास था। अपनी बेटी को मरा देख ली जिंग भी खुद को मार लेती है, जिससे उसका अनबॉर्न बच्चा भी मारा जाता है और ली जुआंग भी कुएं में कूद कर खुदकुशी कर लेता है। उधर वो बंजारा ये सारी बातें पॉल को बता देता है और हमें पता चलता है आज का दिन भी पूर्ण सूर्य ग्रहण का दिन है, आज भी ली जुआंग की आत्मा अपना अधूरा काम करने वापस आएगी। उधर हॉस्पिटल में ली सिंह और उसकी बेटी की आत्मा लक्ष्मी को हॉन्ट करने लगती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि लक्ष्मी को कोई मैसेज देना चाहती हैं। ये मैसेज क्या था हमें आगे पता चलेगा। सीन पॉल के घर शिफ्ट होता है, जहाँ क्रिश और लक्ष्मी भी डिस्चार्ज होकर आ चुकी थी। वहीं लक्ष्मी क्रिश को एक रूम में बंद कर देती है और सबको बताने लगती है ली जुआंग की आत्मा अब क्रिश के अंदर आ चुकी है। ये बात उसे पेस्टर जोसवा ने बताया है, शायद यही मैसेज ली जिंग देना चाहती थी। ये बात साइकेट्रिस्ट को भी पता चल गई थी, जिससे क्रिश उस साइकेट्रिस्ट को भी मार चुका था। क्रिश अब फुल्ली पोसेस्ड हो चुका था और वो रूम तोड़कर सारा को ढूंढने लगता है, ताकि वो उसकी बलि चढ़ाकर फिर से बेटा पा सके। एक टाइम पर क्रिश सारा को मारने ही वाला था, तभी लक्ष्मी आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे सारा भाग जाती है। सभी क्रिश को पकड़कर रोकने लगते हैं, पर क्रिश सबको ओवर पावर कर लेता है। तभी ली जिंग और उसकी बेटी की आत्मा आकर क्रिश को रोक लेते हैं और पूर्ण सूर्य ग्रहण का टाइम चला जाता है, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है और सारी आत्माएं वापस चली जाती हैं। सीन 4 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ क्रिश और लक्ष्मी गोवा में शिफ्ट हो चुके हैं और उनसे मिलने पॉल और जेनी आए हैं। यहीं हम क्रिश के बेटे को देख पाते हैं, जहां हमें उसकी आंखों में किसी और की आंखें दिखाई देती हैं। तो शायद क्रिश का बच्चा वही बच्चा है जब ली जुआंग से पुजस क्रिश लक्ष्मी के साथ इंटीमेट हुआ था, तो शायद इस बच्चे में ली जुआंग का कुछ अंश हो सकता है और शायद इसकी स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।